उत्तर प्रदेशातील भाजपाचे विजयाच्या कल्याण पूर्वेत जल्लोष करण्यात आला. कल्याण पूर्वेचे अध्यक्ष संदीप सिंग यांच्या कार्यालयासमोर शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला हार लावून भाजपा कार्यकर्त्यांनी फटाके फोडीत आनंदोत्सव साजरा केला. यावेळी भाजप कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. जो या ठिकाणी सगळ्यांना सुखद धक्का दिलेला आहे त्याबद्दल सर्व BJP चे अभिनंदन करते. तसंच मोदी सरकारने म्हणजे सगळ्यांना जो नारा दिलेला होता त्या नाऱ्याला त्यांनी चांगल्या प्रकारचं यश प्राप्त करून दिलेलं आहे. आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत से सरकार बनाया, इसकी मुख्य रूप से जो इसे बधाई देने के पात्र हैं वो है भारत के प्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब और संगठन के भारतीय जनता पार्टी संगठन के प्रमुख हमारे अमित शाह जी और जो लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक साथ काम किया है, बधाई उनको सबको जाती है. साथ ही साथ जो जिस प्रकार की केंद्र की नीतियाँ रही है खास करके गरीबों मजदूरों और सभी समाज को साथ में लेके चलने का ये उसकी जीत है. जिस प्रकार से महिलाओं के लिए आप देखेंगे कि वहाँ पे प्रधानमंत्री साहब ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उनको गैस सिलेंडर सब सुविधा प्रोवाइड किए. साथ ही साथ किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना लाया. ये सब छोटी छोटी योजनाओं का मिल के एक बड़ा स्वरूप है. और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से वो कहते हैं कि कोई भी सत्ता जो केंद्र में स्थापित होती है उत्तर प्रदेश में सत्ता कायम हुई है तो दिल्ली में भी आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी बड़ी बहुमत से आएगी. साथ ही साथ हम लोग चाहेंगे कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में भी हमको एक हाथी सत्ता मिले ताकि जो भी एक निश्चय भारतीय जनता पार्टी ने लिया है उसकी पूर्ति हो सके. जिस प्रकार से आज मायावती जी ने कुछ एलिगेशन लगाए हैं कि EVM मशीनों में गड़बड़ी की गई है वो पूरी तरह से निराधार है. किसी प्रकार की लोकतांत्रिक संस्था पर इस तरह का एलिगेशन करना पूरी तरह से गलत है. चुनाव आयोग एक स्वतंत्र आयोग है, ये भारत सरकार या प्रधानमंत्री या किसी के अधीन काम नहीं करता. ये संविधान के द्वारा बनाई गई संस्था है. इस तरह की संस्था का जो काम होता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का मूल्यांकन करना पूरी तरह से गलत है. अगर ऐसा होता तो पंजाब के चुनाव में कांग्रेस को जो बड़ी बहुमत प्राप्त हुआ है मायावती जी के हिसाब से कांग्रेस ने फिर पंजाब में चुनावी मशीन में गड़बड़ी की है, यह उनका कहना है. और मायावती जी ने आज एक दूसरा विषय और रखा कि जो मुस्लिम समाज है उनका वोट कभी भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता है, ये पूरी तरह से गलत है. भारतीय जनता पार्टी किसी भी जाति भाषा प्रांत के आधार पर राजनीति नहीं करती है, सबको साथ में लेके चलती है. जिस प्रकार से मुस्लिम समाज के लिए प्रधानमंत्री जी ने 3 तलाक का जो विषय है उसको उठाया है और आने वाले दिनों में उसमें एक संशोधन करने वाले हैं. तो मेरा ये पर्सनल मानना है कि मुस्लिम समाज में सभी लोग खास करके महिलाओं ने बड़ी संख्या में बढ़ के भारतीय जनता पार्टी को किया. सबसे पहली सीट जो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जीती सुबेरे वो देवबंद की थी, जहाँ पे कि 80% से ज़्यादा मुस्लिम समाज है, तब भी वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी बहुमत से आई है. इसलिए मैं सभी पूरे देश के जितने भाजपा के कार्यकर्ता हैं देशवासी सबको इसके लिए